जिस सभा कट के इतने पहुंचे हो और माफ़ में ऐसी दिखते हुए समय तो लेट आ बिकॉज एक मीटिंग चल रही थी वो लंबी चल गई इसलिए मैं थोड़ा तो माफी मांगा है साढ़े दरमियान पंजाब के प्रभारी जोगिंदर यादव जी बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जेडे नैशनल इंचार्ज सब देख रहे ने इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंशुल अभिजीत जी जेडे कि स्पेशल अज आए ने थानू ब्रीफिंग करन वास्ते अज दी इस ब्रीफिंग दा जेड़ा मुख मकसद है वो भार जोड़ो न्याय यात्रा जेड़ी राहुल गांधी जी मणिपुर तो मुंबई तक कर रहे हैं और 800 किलोमीटर के लगभग की यात्रा है। इसे तरह ही राहुल जी ने एक वरे पहला कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा तय की सी और जिले में 4000 तो वध की पैदल यात्रा सी लखा हजारा लोगों ने उरे च पार्टिसिपेट किया और देश की दशा दिशा की समझ राहुल गांधी जी ने आम लोगों नू दबे मिदे कुचिया नू मिलके ली और बहुत सारे मुद्दों नू देश के लोगों के सामने उजागर किया। उस तरह ही पूरे देश तो एक डिमांड चली सी कि राहुल गांधी जी मणिपुर तो उधरलियां स्टेट्स को भी कवर करन सो उन्होंने फिर निर्णय और फैसला किया कि मणिपुर तो मुंबई तक भी न्याय का हक मिलने तक तो मणिपुर के जो हालात है जिवें मणिपुर मणिपुर सड़ा जलिया और देश के अंदर नंगा नाच होया लोकतंत्र का जिहड़ा कि सारी दुनिया ने वेख्या। सो इसे करके यात्रा उत्थों शुरू की गई है। एरे डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी ने थानू विस्तार पूर्वक इस यात्रा का जिहड़ा महत्व ते मंतव ते की होएगा थोड़े सवालों जवाबों के भी जवाब देंगे इस सवाल के। सो तुसी कर सकते हो वो अज स्पैशल आए इन्हां दे बोलन तो पहला मैं यादव साहब जी की इजाजत के नाल असी पहला उस वादे तुहानू संबोधित करेंगे अंशुल अभिजीत जी उस तो पहला यादव साहब साडे हां जी पहला नहीं निकला पोस्टर रिलीज करना है। सो असी यादव जी को कहांगे कि वो न्याय का हक मिलने तक इस यात्रा का पोस्टर रिलीज करन ताकि उस तो बाद अंशुल अभिजीत जी अपनी गल तुहाडे सामने रखन। मैं बेनती करूंगा अंशुल अभिजीत जी को थानू इस यात्रा ते अपनी ब्रीफिंग करें। अंशुल शुक्रिया देवेंद्र जी राजावरिंग साहब सम्मानित मंच मैं आ रही हूं कि आप सब यहां पर मित्र यहां पर शामिल हो सके तो एक बार फिर मैं और हम सब कांग्रेस पार्टी वही एक तरह से नारा लेकर आपके समक्ष आई है। उस नारा में थोड़ी सी तब्दीली हुई है एक नया शब्द उसमें जोड़ा गया है लेकिन उस नारे में वही जज्बात है वही शक्ति है वही संकल्प है वही इरादे हैं कि भारत जोड़ेंगे भारत जोड़ो इस बार न्याय यात्रा। और एक मशहूर शायर ने कहा था कि हयात लेके चलो कहनात लेके चलो
चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारी मंजिल है। और आपने पिछली बार तो देखा होगा यहाँ पर हम सब शामिल थे, वो उसकी चित्र भी आपने देखे होंगे, उसकी चर्चा भी हुई, वो हुजूम, वो जोश, वो उत्साह जो कन्याकुमारी से लेके पंजाब से होते हुए जहां पर हम सब लोग शामिल थे और वहां पर कश्मीर तक वो यात्रा पहुंची, और जिस तरह से वो उमंग हमने देखा, जो लोग जिस तरह से जुड़े, वो सचमुच अद्भुत था, वो मुख्तलिफ था। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में बहुत सारे मुहिम चले हैं, अभियान चले, सियासी अभियान चले हैं, समाज बदलने के लिए अभियान चले हैं, लेकिन ऐसा अभियान, ऐसा मुहिम शायद ही कभी हुआ होगा आधुनिक दुनिया में जमहूरियत में। लेकिन जो कार्य होता है भारत जोड़ने का, वो हमेशा जारी रहता है, वो कभी मुकम्मल होता नहीं। तो इस बार पूरब से पश्चिम तक एक नई यात्रा है, वही जोश है, वही नारा है, वही उत्साह है, और एक नई यात्रा है जो मणिपुर से जिसकी शुरुआत होगी। महिला तो महत्व समझते हैं, राजा साहब ने भी उसका जिक्र किया। तो ये 115 लोकसभा सीट होते हुए, 337 विधानसभा सीट होते हुए, 15 राज्य रियासतों से होते हुए, मणिपुर की पहाड़ियों से लेके ये अरब सागर तक ये यात्रा होगी, और सचमुच अद्भुत होगी। और आप देखेंगे कि उतना ही जोश, उतना ही उत्साह इस यात्रा में होगा। तो हमने न्याय शब्द, जरा जल्दी से बता दूं कि न्याय शब्द हमने इस यात्रा में क्यों जोड़ा। बड़ा कीमती शब्द है ये, बहुत शक्तिशाली शब्द है, और हमेशा हम सबके जहने और जुबान पे ये शब्द होना चाहिए। समता जैसे कहते हैं, समस्ता जैसे कहते हैं, भाईचारा जैसे कहते हैं, वैसे ही न्याय। और न्याय की जरूरत है क्योंकि मौजूदा हालात तो आप जानते हैं, अन्याय और अत्याचार का हालात है, माहौल है, और इसमें न्याय की सख्त जरूरत है। इसलिए हमने न्याय जोड़ा। किस तरह का न्याय? आर्थिक अन्याय है, विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है, और व्यापक हो रही है। आप जानते हैं कि ये सरकार की नीति हमेशा रही है कि गरीबों की जेब में पैसा हाथ डालें और पैसा निकालें और बड़े बड़े कारोबारियों को दे दें, या अपनी तिजोरी भरें, क्योंकि वो जानते नहीं कि कैसे सरकारी तिजोरी भरी जाती है। बेरोजगारी तो हद ही कर दी। जो नए आते आए हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर युवक कितने बेरोजगार हैं। और मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, जो मायूस, जो महरूम युवक, जो नौकरी ढूंढे भी नहीं जा रहे, 40% उनके आंकड़े हैं। गरीबी है, गुर्बत है, और यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किला से 140 करोड़ मेरे देशवासी। आपको कैसे पता 140 करोड़ है? आपने तो जनगणना तक नहीं कराई, आप जानते तक नहीं कि उस मुल्क कितने गरीब हैं, किनको सहायता की जरूरत है, कितने जरूरतमंद हैं, कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं, कितने मायूस हैं, आप जानते तक नहीं क्योंकि आपने जनगणना तक नहीं कराई। तो एक तरफ आर्थिक मंदी है, कार्य ठप है, मांग है नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है, और दूसरी तरफ यहां पर कार्यपालिका का आतंक है। जो सरकार है उसने सारे हथियार अपने आप अंदर ले लिए हैं, और जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अस्त्र बनाकर विपक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। जो उनके मन में आता है, जिनसे वो गले लगाते हैं, वो सब छूट जाते हैं, और का हाल आप जानते हैं। तो जिस तरफ आप देखें वहां पर अन्याय है, हमारे सरहदों पर अन्याय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना घुसाया है, और मैं पूछना चाहता हूं कि 19 कोर कमांडर मीटिंग हुई कैसे जब न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। तो जहां तक देखें वहां पर अन्याय है, अत्याचार है। तो इस यात्रा का मकसद यही है। मैं आप सबको इस मौके पे आमंत्रित करता हूं कि आप भी इस यात्रा से जुड़िए। आपके माध्यम से और लोगों को कहूंगा कि इस यात्रा से जुड़े। यहां पर इसका एक लिंक भी है, इसका एक वेबसाइट भी है, उसके अंदर जाएं, उसको देखें, उसके जान करें, और इस यात्रा से जुड़कर इस मुल्क को
एकजुट बनाए और मजबूत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई यात्रा नु लेके किसी प्रकार का सवाल होवे ता साडे प्रवक्ता जी तुहानू उहदे दे जवाब दे सकदे आ। किसी भी प्रकार का किसी साथी का कोई भारत जोड़ो जी यात्रा नु लेके सवाल होवे ता दस्सो। हिंदी में पूछ लें तो अच्छा होगा। वो कह रहे कि मणिपुर को परमिशन को लेके कुछ इशू आ रहे हैं। तो देखिए सरकार का रवैया, वैसे मणिपुर सरकार तो अपनी मीटिंग कराती है, लेकिन वैसे तो अपनी मीटिंग कराती है, लेकिन हमें इजाजत देने में उनको बहुत बेहद परेशानी है। और पैलेस ग्राउंड में उन्होंने इजाजत मना कर दिया और बहुत सारी अड़चनें डाल रहे हैं। ये कोई नई बात है नहीं, ये हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन हम यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही करेंगे, ये हमने तय कर लिया है। मणिपुर का आप महत्व जानते हैं, बड़ा संवेदनशील इलाका है, वहां पर हम वहीं से यात्रा करेंगे। उसकी शुरुआत, उसका आगाज वहीं से होगा, ये हमने तय कर दिया। रीजन क्या बताया जा रहा है? नहीं, अब देखिए सरकार का ऐसा क्या रवैया है, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये तो कार्यपालिका का आतंक है ना, जहां पर विपक्ष है और परेशानी है हमको। जब उन्होंने देखा कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, वो इतने बेचैन हो गए, तो आप चाहते नहीं कि एक और यात्रा इस तरह की है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी क्या परेशानी है, इनकी क्या समस्या। जब इनको इंटरवीन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तब तो मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप रही महीनों तक, ना पालन में बोली, ना मणिपुर गई, ना उसने टाइम निकाला, ना उस पर कोई बयान दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और घबराहट भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर के सामने आ रही है। और इस करके मैं अपना सारे मीडिया के भैन भरावान समझाना चाहना, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ एक है, भारत जोड़ो नई यात्रा किवें डिस्टर्ब करना, सैबोटाज करना, इंटरवीन करना। जदों करन दी लोड़ सी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दा मसला सी, उदो चुप ना मणिपुर गए मोदी साहब, ना सदन दे विच उहदे बोले, ते ना ही उहनूं कंट्रोल करन दी कोशिश की। हुण बहाने बना के जी थोनू असी परमिशन नहीं देनी, क्योंकि घबराहट जिहड़ी है बीजेपी दी, उह जग जाहिर हो चुकी है राहुल जी तों। भारत जो न्याय यात्रा तों जिवें नफरत दी दुकान पर हिमाचल बंद कीती, फिर कर्नाटका च बंद कीती, हुण देश बंद कर। नहीं, तो मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा भाव सकारात्मक है, एक सकारात्मक भाव से हम यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ने के लिए। उसमें न्याय शब्द ने इसलिए डाला है, उसमें इसलिए तब्दीली की है कि मौजूदा हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिस तरह से ये देश जिस दिशा में जा रहा है, तो इसका किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। ये सकारात्मक भाव से भारत जोड़ने के लिए, एक होने के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए यात्रा है, जरूर सफल होगी जैसे पहले हुई। आपको ये पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे जितने भी हमारे नेतागण हैं, जो जितने रियासतों से समाएंगे, जहां जहां शामिल हो सकते हैं, जरूर होंगे। सर, इसी के साथ अयोध्या मंदिर के जो गार्डन के लिए जाने के लिए मना कर कांग्रेस ने, तो उसके बाद अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि कांग्रेस ही है जो वो श्री राम के पैरोकारों को नहीं मानते, वो तो देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो की ये जो अभियान है, ये जो नया दौर है, उसके देखिए और तरह से चलती रहती है।
इसके कोई ताल्लुकात नहीं, मैं तवज्जो इस पे ना चाहता हूँ, इसकी बात करना चाहता हूँ, इसके महत्व को और इसकी मजबूती को। तो इसके मणिपुर इसलिए हुआ, ऐसा है, हम अभी बैठे हैं अभी क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में चर्चा हो रही है, अभिजीत जी उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भी सवाल है जो भी जवाब है वो मिले, उसके पश्चात हम यहीं बैठे हैं, उसके पश्चात जो राजनीतिक बातें हैं वो हम उसके पश्चात शुरू करेंगे। यार पहले वो पहले इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा जी मणिपुर यात्रा का आगाज हुआ, मणिपुर का महत्व तो आप खुद समझते हैं, संवेदनशील इलाका है वहां पर, और अभी अफसोस से ही कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए तक नहीं, बड़े दबाव के बाद उन्होंने एक महीने बाद पार्लियामेंट के सामने संसद के सामने कोई बयान दिया, वो तो वो भी नहीं दे वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जाना चाहते हैं, हम वहां से उसका आगाज करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो हुआ वो इतिहास जानता है, आप सबने देखा, वहां पर हमें एक हीलिंग टच देना है और एक संवेदनशीलता के साथ वहां पर जाके यात्रा को शुरू नहीं नहीं एक न्याय एक बड़ा मुद्दा है, इस पूरे मुल्क का मुद्दा है, लेकिन मणिपुर तो एक अहम हिस्सा है, और जो जानते हैं मणिपुर में हुआ क्या कुछ इतने महीने से, और प्रधानमंत्री तक प्रधानमंत्री जी वहां तक गए नहीं, जरा समझिए आप, वहां पर जाना था उनको, अनिवार्य था, ये इस मुल्क का एक हिस्सा है, एक रियासत है, वहां पर लोग मर रहे थे, जो हो रहा था आप जानते हैं, और प्रधानमंत्री गए तक नहीं। सर जिस एक बात आपकी जो यात्रा का नाम आपने न्याय यात्रा जी, मोस्टली जब भी कोई स्टेट कांग्रेस जीती तो उसको बोला भारत जोड़ो यात्रा का सर, ये यात्रा आपकी अगर नॉन पॉलिटिकल है तो आपने पूरी की पूरी यात्रा को इतने विधानसभा इतने लोकसभा का, दूसरा अगर न्याय को लेकर आए तो इसमें विधानसभा लोकसभा का मुद्दा से नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां हम जा रहे हैं उतने सारे लोकसभा उतने सारे हलके उतने सारे क्षेत्र उसमें आते हैं, एक तरह से जो भूगोल है उसको बता रहे हैं हम, एक एक अगर पूरब से पश्चिम जाएंगे तो हम आपको एक अंदाजा लगा रहे हैं ये भूगोल है और इसमें इतने सारे क्षेत्र यहाँ पर रियासतें इतनी सारी कंस्टिट्यूंसी इतने सारे विधानसभा आते हैं, इसको जानने में ही होगी। देखिए सियासत तो कहीं नहीं जाती, हमारी तो एक सियासी पार्टी है ना, ये तो है बेशक एक सियासी पार्टी है, लेकिन इसका मकसद सियासत नहीं है, इसका मकसद है भारत जोड़ना। आप ये कह सकते हैं कि आप सियासी पार्टी कर रही है तो भी सियासत होना चाहिए। नहीं नहीं हमने भारत चुना, पहला जो दौर था वो यहाँ कन्यारी से कश्मीर था, अब उस वक्त तो हम पूरब से पश्चिम कर नहीं सकते थे, तो इस बार हमने ये किया और हमने एक ऐसा रूट और रास्ता बनाया जिसमें जहाँ पर हम पहले नहीं जा सकते वो हम कवर करेंगे, बहुत सारे ऐसे इलाके, इसमें बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं, बहुत सारी रियासतें हैं जिसमें पहले गए लेकिन बहुत सारे हिस्से को हम वहाँ पर नहीं जा पाए, ये हम करेंगे और एक तरह से हमारा जो ये मुहिम है भारत जोड़नों का उसको मुकम्मल करेंगे। नहीं पंजाब तो है नहीं, पंजाब तो इस मुल्क का हिस्सा है, जब भी हम कोई इस तरह का मुहिम करते हैं और ये बिल्कुल अद्भुत है, ये तो आपने देख लिया दुनिया में ऐसा कभी कोई हुआ नहीं, तो हम सब सारे रियासतों के कैपिटल में जाके हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, हम आमंत्रित कर रहे हैं, दस्तखान बिछा रहे हैं कि आप आइए इससे जुड़िए, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं। ये यात्रा जैसे पहले भी यात्रा रही है, हमने सबको आमंत्रित किया है कि हमारे साथ जुड़े, इंक्लूडिंग पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट का कहना है कि पंजाब कांग्रेस अपने एमएलए वो इसका इसका पार्टी, हमने कहा है कि आपको बाद में सवाल करना, अब भाई सुनील जाखड़ की कह रहा है जी नहीं कह रहा, वो सानू जवाब देने की लोड नहीं है, किनू इंसाफ दे रहे हैं किनू नहीं दे रहे, ये वही बीजेपी है जिहड़ा बंदा गल्लां करदा सुखपाल खड्डे पहला ईडी ने फड़िया 78 परचा तां बीजेपी ने दिता, जदों ये जाखड़ क्यों नहीं बोलिया, बोलिया कि वो ईडी दा परचा नजायज़ सीगा,
उस गल दी साडी ए न्याय यात्रा दे उत्ते पीसी हो रही है। कौन की कह रहा है, कौन नहीं कह रहा, एवं बाजार बहुत सारे लोग बहुत सारिया गल्लां कर रहे। सो लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी किवें आ रही लोगों नाल और खेड़ा साहब नाल क्यों खड़ी। सर एक सवाल जनरल यादव के लिए है, सर दविंदर यादव जी आपके सवालों को जवाब देंगे, पहले न्याय के ऊपर एक बार बात करें। पहले एक दो पार्ट में दो पार्ट है, पहले तो निपटा सर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो पार्ट है, दविंदर यादव जी जवाब अभी बाद में देंगे, पहले इनके करें। नहीं नहीं तो एक इस यात्रा का टाइम फ्रेम हमने कितने दिन कहाँ किस रियासत में रहेंगे, किस मुल्क में हम रहेंगे, कहाँ चलेंगे, उसका हमने तय कर दिया है। तो एक तरह से ये यात्रा तो मुकम्मल करके रहेंगे, मुंबई से मणिपुर से पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पंजाब का की शमूलियत होगी, की फायदा होगा भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा जो पहला भी हुई सी भारत जोड़ो यात्रा, पूरे देश के लोगों ने शमूलियत की सी, वक् वक् सूबे तो लोग आए सी। असी भी 14 तरीक के आगाज से पंजाब तो कुछ लीडर साहबान कुछ वर्कर साथी उस आगाज से पहुंच रहे हैं। लॉन्च करना मतलब है कि उन्होंने पता लग जाए और शमूलियत कर सकन। इस हां उन्होंने इनविटेशन ही है, उन्होंने मेरे लिए अतला भी दी गई। सो ये करके थे आज पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दूसरी गल मैं आज इतने साढ़े पंजाब के प्रभार मेरे नाल बैठे ने, मैं तुम्हें दसना चाहना है कि 8 तरीक तो लेके जिस दिन पहले दिन नतमस्तक होके गुरु महाराज का गुरुआ की धरती तो आशीर्वाद लैके दुर्गयाना मंदिर फिर वाल्मीकि तीर्थ और श्री हरिमंदर साहिब तो बाद निरंतर मीटिंगां दा दौर चल रहा है। परिवार ने साडे वख-वख लोग मिल रहे ने, कांग्रेस कमेटियां जिला कांग्रेस कमेटियां नूं मिले ने, सीनियर वरिष्ठ लीडर साहबां नूं मिल रहे ने, ब्लॉक प्रेजिडेंट्स नूं मिले ने, हुण तक कोआर्डीनेटर्स जिहड़े साडे लगे ने उहनां नूं उहनां नाल मुलाकात कीती है। इस तो बाद साढ़े जिहड़े फ्रंटल संगठन ने उन्हां नाल उन्हां दी चर्चा रहेगी। बहुत सारे मुद्दियां ते पंजाब दे लोगां ने और परवाड़ी जी ने मेरा ख्याल उन्हां पुछिया, जवाब मंगे, बहुत सारी सलाह मशवरे हुए और मेरा ख्याल अंतर बहुत सारी जिहड़ी इनफॉर्मेशन पंजाब दे वो उन्हां ने लई और आने वाले समय च किस तरह संगठन नूं होर मजबूत किया जाएगा, किस तरह पार्लियामेंट 13 दीआं 13 सीटां ते असी किस तरह तैयारी होनी चाहीदी है, आने वाले समय च प्रभारी जी दा रूट प्लान, एक असी यात्रा जिहड़ी तैयार कर रहे हैं तकरीबन 50 तों 54 दिन दी जिहदे विच तकरीबन 20 किलोमीटर दे लगभग रोज चलिया करांगे और 2 हलकियां नूं तय करेगी जिहदे नाल 104 ते 5 असी पंजाब दीआं विधानसभा नूं टच करांगे। ਉਹ ਸਾਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਦਵ
मैं पहले ब्रीफ कर देना है जो जो ब्रीफ हुआ है ननु मैं पहले ब्रीफ कर देना है फिर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देवा जैसा कि पहले सर स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं तुसी आए ने आप लोग हमारा जो सोच है कांग्रेस की वो लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया भी है इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिछले चार दिन में जब से पहली बार मुझे इंचार्ज के रूप में माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी उसके पश्चात ये पहला दौरा था और हमने इस दौरे की शुरुआत हरमन साहिब में मत्था टेक कर वहाँ अरदास करके उसके पश्चात दुर्गियाना मंदिर श्री राम वाल्मीकि जी मंदिर हैं वहाँ जाकर दुआएं की हैं और यही दुआ की हमारे देश में सुख शांति जहाँ बनी रहे वहीं पंजाब भी पहले एक समृद्ध प्रदेश हुआ करता था उसी तरीके से हमारा आने वाला पंजाब भी मजबूत होए ड्रग्स जो यहाँ की कानूनी व्यवस्था है उसे निकलकर प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े ये दुआओं के साथ हमने अपना ये दौरा शुरू किया था और पिछले तीन दिनों से लगातार विभिन्न मसलों पर हमने चर्चा की है जब वो हमारे शुरुआत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीएलपी लीडर एक्सीसी एक्सीएल लीडर सीडब्ल्यूसी के हमारे मेंबर्स उनसे चर्चा की सभी जो हमारे एमपी साहिबान हैं या जो चुनाव लड़े थे उनके साथ चर्चा की है पश्चात विधायकों के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ हमारे हल्का के जो ऑब्जर्वर्स लगे हैं उनके साथ और विभिन्न हमारे जो साथी हैं जो कांग्रेस की आस्था रखते हैं उनको समय देकर उनकी बात और जो चाहते हैं किस तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़े किस तरीके से हमारा संगठन मजबूत हो सकता है उसमें क्या क्या कमियां हैं क्या हमारा अलायंस के ऊपर क्या रूप होना चाहिए हमारा डिसिप्लिन के ऊपर क्या रूप होना चाहिए उन सभी बातों पर चर्चा की है मुझे खुशी है कि हमारा मजबूत संगठन आज पूरे प्रदेश में मौजूद है ब्लॉक लेवल पर चाहे वो हर महीने मीटिंग्स की बात हो मंडल की बात हो मैं समझता हूँ कि देश में वो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश हैं जहाँ पर 80% हमारे मंडल की जो कमेटियाँ हैं और उनकी मीटिंग्स शुरू हो गई हैं ये अपने आप में हमारे संगठन की मजबूती का एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है मैं काफ़ी यहाँ आने के पश्चात मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि आने वाले चुनाव में हम मजबूती के साथ एकजुट होकर इस चुनाव को फेस करने जा रहे हैं One at a time. One at a time, please. Start from this side. Can we start from this side and then? Neha. Start from this side. जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे आप लोगों ने आपने पूछा है उसमें सबसे पहले अलायंस की बात है अलायंस में निश्चित ही हमारे ब्लॉक से लेके और जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स हैं जैसा मैंने कहा उनसे चर्चा की है सबने अपने व्यूज दिए हैं थोड़े कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं वो मैं लीडरशिप को अपडेट करूंगा क्योंकि इसका बंद है नहीं ऐसा है कि इस बारे में बहुत स्पष्ट है हमारी लीडरशिप आप मालूम होगा कि कुछ दिन पहले इसकी बैटरी चली गई
तो मैं कह रहा था कि अलायंस के ऊपर हमारी लीडरशिप का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी लीडरशिप चाहती थी कि हम प्रदेश की लीडरशिप के साथ और प्रदेश की जनता के साथ संवाद स्थापित करके जो वहाँ की फीलिंग्स आती हैं उसके अनुसार उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो मैं उसी संदर्भ में अपार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट विजिट ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जैसा मैंने कहा कि सबकी भावनाएं हैं, थोड़ी अलग अलग भी भावनाएं हैं, जो भी हमें जो बातें आई हैं मैं जल्दी जाके लीडरशिप को अपडेट करूंगा और उसके पश्चात ही कोई फैसला लिया जा सकता है। दूसरी बात नहीं, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर आई शुड डिस्कस दैट। ये हमारा इंटरनल मामला है, निश्चित ही मैं लीडरशिप के बारे में अपडेट करूंगा और उसके पश्चात जो फैसला होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। जहां तक मैंने कहा अलग अलग व्यूज आए हैं, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है और वो रहेगी और वो रहेगी, तो मैंने सबके व्यूज लिए हैं, उसके पश्चात ही जो वोट होगी मैं लीडरशिप को दूंगा। जहां तक अनुशासन की बात है, निश्चित ही एक मत में हमारी पूरी लीडरशिप सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और अनुशासन के बिना कोई भी पार्टी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती, लिहाजा अनुशासन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। मुझे भी वो डिफरेंस नजर नहीं आया है। एक दिन जिस दिन हमारी पहली मीटिंग थी, निश्चित ही कुछ प्रोग्राम्स उस आपके पहले से लगे हुए थे, उन्होंने से इजाजत लेके वो उस मीटिंग में गए हैं, उसके पश्चात हमारी पुनः दोबारा से चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई डिफरेंसेस, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सब अपनी अपनी बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत सब करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं, निश्चित ही सबको उसको स्पेस दिया जाता है, लेकिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी अनुशासन से अलग होके कहीं कोई कार्यवाही कब कहा कोई कब कहा हमने यार एक अभी तक इशारे आप लोग समझदार हैं, आप ज्यादा समझते हैं, शायद मैं इशारे ज्यादा नहीं समझता, लेकिन कोई भी ऐसा बयान मैं नहीं देख रहा हूँ जिसको छोटी मोटी कोई अगर बात है भी उसको हम संज्ञान ले रहे हैं। मैंने कहा कि अभी हमारी सबसे चर्चा हुई है, निश्चित ही संगठन के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने आपको कहा जो संज्ञान में आएगा उसको
लीडरशिप को भी अपडेट किया जाएगा। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर देखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। मैं लीडरशिप को उसको पूरी तरीके से अपडेट करूँगा, लेकिन इस बात का मैं वादा कर सकता हूँ कि अनुशासन, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा लीडर हो, उसके ऊपर अनुशासन लागू होगा। हम 13 की 13 सुना जीतने वाले हैं 2024। मुझे नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो मैंने कहा हमारी जानकारी में अभी तक कोई रैली का प्रस्ताव नहीं है। मैंने कहा अनुशासन से परे कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कहां पर मीटिंग होती है, कितनी मीटिंग होती है, वो लेट अस डिसाइड। यू आर नोबडी टू डिसाइड दैट। आर वी डूइंग अ पीसी ऑन मिस्टर सिद्धू? आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट वेरी क्लियर। चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी अगर अनुशासन से अलग जाएगा तो। साहब ने एक अभी यात्रा का बात की, वो सरकार के खिलाफ, वो यात्रा 20 किलोमीटर की दिल्ली निकलेगी या केंद्र की नीतियों के खिलाफ होगा? देखिए आने वाले समय में क्योंकि ये चर्चा सारी आई थी और उसी का परिणाम है कि हमने प्रोग्राम्स तय किए हैं, जिसमें 26 जनवरी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हर विधानसभा में 2600 झंडे लगाने का टारगेट हमने अपने प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो हलका के इंचार्जेस हैं उनको दिया है। इसी प्रकार से 13-13 लोकसभाओं में 17 या 18 तारीख से हम एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करें, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी आएंगे, जिसमें हमारे मंडल के आएंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष, वो सभी लोग उसमें पर आएंगे। हम और राजा जी और अन्य सीनियर लीडरशिप उसमें शामिल रहेंगे। इसी प्रकार से एक यात्रा, जो विस्तृत यात्रा का प्लान भाई राजा जी ने बनाया है, उसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। लगभग 102 जो हमारे पास पहुंचा है, जो हमने अभी तक चेक किए है, उसमें लगभग 104 विधानसभाएं कवर की जाएंगी और सुबह और शाम तक उसका रहेगा एक फेज सुबह रहेगा जिसमें लगभग 8-10 किलोमीटर हम कवर करेंगे और एक फेज शाम को रहेगा उसमें भी 8-10 किलोमीटर हम तय करेंगे। जहां तक मुद्दों की बात, हमारा ये एक विस्तृत जहाँ जनसंपर्क का हमारा ये रहेगा कार्यक्रम, वही जो हमारे प्रदेश के में और जो देश में मुद्दे हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मैं जानता सर भाई, मेरा ख्याल तुसी लोग कल भी मीडिया दे लोगा ने, कल भी मीडिया दे कुछ साथिया ने कहता कि बहुत सारे लोगा ने बायकॉट करता। मेरी बेनती है प्लीज, कल एक पैनल ने चलाया सी कि कुछ लीडर ने बायकॉट किया जिदे विचों अज तुसी देखा होना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जिहड़ी मीटिंग अज सी ते उहदे च लगाता कि आ 3 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स नहीं आ रहे, बायकॉट करता मुकम्मल तौर ते उस एक पर्टिकुलरली चैनल ने, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੂ ਜੀ ਦੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾ ਨਾ ਨਾ
इस तरह एक सुखपाल सिंह पुल ने उदाहरण दे रहे कंटेस्टेड कैंडिडेट ने साडे बारे नहीं तुसी पूछा भी वो क्यों नहीं देर आर सम अदर लीडर जे नहीं आए बिकॉज उन्होंने घर कोई प्रोग्राम है कोई बीमार है कोई काम है तुसी उन्होंने पर्टिकुलरली दो बंदे ना लेके उन्होंने इस इशू बना दें हो कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और सब शामिल हो बहुत सारे साढ़े 10% ब्लॉक प्रेजिडेंट नहीं शामिल हो सके 90% हो मतलब दो तीन जिला प्रधान नहीं आ सके बेचारे वो कल वाली कंटेस्टेड कैंडीडेट मीटिंग सी सो मेरी थोनू गुजारिश है हाथ जुड़ के निम्रता दे नाल कि खबर बनाउन वास्ते प्लीज खबर नहीं चलानी है अगर कोई वास्तवता तुहानू ओहदे च लगदी है तां प्लीज जरूर चलाओ थैंक यू ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ